हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपको पता होगा, फाइनली गर्ल्स की जो रनिंग है वो अब समाप्त हो चुकी है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा, 28 नवंबर को जो है 10,000 प्लस जो गर्ल्स की रनिंग है वो 11 जून में कराई जा रही थी, और वो दो शिफ्ट में थी, जो कि अब समाप्त हो चुकी है। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये बार बार कमेंट्स आ रहा है कि मैम, क्या जो है सेकेंड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी गर्ल्स की? तो फ्रेंड्स, हम आपको इस वीडियो में सारे इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। और जैसे कि आपका और एक कमेंट है, मैंने बहुत सारे जब आई तो मैंने देखा कमेंट्स आ रहे थे, जैसे कि मेरा भी आज जीके भी में रनिंग था। ठीक है, और देखिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सारे इन्फॉर्मेशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे, जो आपको रनिंग से रिलेटेड, ठीक है, ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ये जान लोगे तो आप कभी भी रनिंग में फेल नहीं होंगे। जी हाँ, ठीक है। तो देखिए, आज बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन बहुत मतलब ये भी हुआ है ना कि आप देख ही रहे होगे, मौसम बहुत ही ठंडा है यार। मतलब इतना ठंडा है कि क्या ही कोई बोले, आपको पता भी चल रहा होगा। अब इसकी वजह से क्या हुआ है ना, बहुत सारी लड़कियां तो आई ही नहीं। जी हाँ, मतलब बहुत सारे नहीं, लेकिन बहुत सारे मतलब अब्सेंट रही इस ठंड की वजह से। मान लो कैसे आए कोई, ठीक है। और देखिए, रनिंग में लगभग जो है 10,000 प्लस मतलब लड़कियों को जो है वो बुलाया गया था। और अगर हम मान के चलें तो लगभग, अगर हम अपने जीके पी जोन की बात करें ना, ठीक है, पीएससी लाइन की, तो उसमें 50 से 55% जो है लड़कियां इसमें क्वालिफाई कर पाई हैं दौड़ से रिलेटेड। जी हाँ, हमने एकदम सही बोला। अब आप यहाँ से ये देखिए कि पूरा पूरा चांस जो है, और हर जोन में जो 11 जोन है ऐसा ही चल रहा है, ठीक है। तो आप ये मान के, अगर आप सेकेंड लिस्ट का वेट कर रहे हो, ठीक है, तो लड़कियों का जो है सेकेंड लिस्ट 100% आएगा, और कितने मतलब कि लगभग 5,000 प्लस की जो है फिर से आपकी दूसरी मेरिट लिस्ट लगने वाली है गर्ल्स की, 5,000। ठीक है, मतलब 5,000 गर्ल्स को पास किया जाएगा, और जिसमें से अभी उसमें से और बाहर होंगी, तो आपकी इतनी जो है, लेकिन ये कंफर्म है कि आपकी सेकेंड लिस्ट आएगी गर्ल्स की। क्योंकि आज अगर आपने रनिंग का, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सर्वे भी करेंगे, और देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है, जैसे कि आपको पता होगा कि लड़कों का दौड़ जो है 29 से 31 अगस्त तक होनी है, 3 दिनों में 30,000 प्लस स्टूडेंट्स का जो है दौड़ करा दिया जाएगा। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में मतलब मन में नहीं है, मतलब उनके बार बार ये क्वेश्चन है, क्योंकि उनके साथ बहुत दिक्कतें हो रही है। जिनका नाम मेरिट लिस्ट में है उनका एडमिट कार्ड नहीं ओपन हो रहा है, और जिनका एडमिट कार्ड ओपन हो रहा है उनका मेरिट, मतलब बहुत सारे कन्फ्यूजन हम। तो फ्रेंड्स, अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम है, अगर आपको टाइम पता है, जगह पता है, तो आपको अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं ओपन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए। ठीक है, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में शाम को सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अभी हम बस इतना ही, क्योंकि अभी हम बिल्कुल मतलब थके हुए, सोचा कि आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। मतलब यार, मतलब आपको पता होनी चाहिए इन सारी बातों में। और रही गर्ल्स की, तो गर्ल्स आप चिंता मत करो। देखिए, बहुत मतलब फेल होता है कोई तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या ही करें, रनिंग पूरी नहीं कर सकी बहुत सारी लड़कियाँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप, अगर आपको मतलब कम मेरिट की वजह से अगर आपका नेम नहीं आया है, तो आपका जो है सेकेंड लिस्ट में आपका नेम जरूर आएगा, क्योंकि सेकेंड लिस्ट गर्ल्स की लगेंगी। तो बस इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन देनी थी, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रनिंग से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि लिस्ट में नाम है लेकिन एडमिट कार्ड नहीं, और हमारा लिस्ट में नाम क्यों नहीं है, जैसे कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन है, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, और आप कम्युनिटी बॉक्स को चेक करते रहिएगा, क्योंकि उसमें हम सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। अगर हम वीडियो ना बना सके तो उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो और कम्युनिटी बॉक्स उनको ही दिखेगा जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, तब तक के लिए आप थोड़ा सा वेट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।